तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मृतका की मां पत्नी और दो बच्चों का शव बरामद हुआ है। एक ही परिवार के पांच सदस्यों का शव मिला है। अभनपुर थाना क्षेत्र के केंद्रीय गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के पांच सदस्य हैं। हालांकि जाहिर सी बात है, अभी कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, इनकी हत्या हुई है या इनकी मौत कैसे हुई है। तमाम सारे पहलू हैं जिनको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है और जांच भी जुटी है। ज्यादा जानकारी के साथ वरासहता शिवम मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है, क्या कहना है उनका? देखिए, जिस तरीके से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की अभनपुर के केंद्रीय गांव पर यहाँ पर जो मामला है, मौत हो गई है, ये कहीं ना कहीं ये मौत सवाल तो उठा रही कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या है। देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सुबह 9:30 बजे अभनपुर थाना क्षेत्र के पुलिस टीम को सूचना मिली है। सूचना पढ़ते ही मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जो वहां के मौजूद लोगों से बयान ले रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही जितने शव है उन सबकी एफएसएल के मौजूदगी पर वहां पर शव को उतारा जा रहा है, उनका मर्ग कायम किया जा रहा है। हालांकि तमाम पहलुओं पर इन पर जांच की जाएगी, ये भी देखा जा रहा है कि मौके से सुसाइड नोट मिला है या नहीं, या फिर जो मृतक थे, जिस तरीके से परिवार के मुखिया कमलेश साहू की जो शव है वो फंदे पर लटका हुआ मिला, तो किस तरीके से आखिर बात क्या थी कि उनका पुराना रिकॉर्ड क्या था, या फिर जो मृतक थी ये काम क्या करते थे और कहीं इनका कोई कर्ज पानी तो नहीं था। तो तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि ये क्या अभी तक पुलिस प्रशासन ने जो स्थानीय लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स भी लिए हैं, उनसे बातचीत अभी तक हो पाई है? अच्छा, बिल्कुल निश्चित रूप से, जिस तरीके से 9:30 बजे पुलिस अभनपुर पुलिस को इस बात की सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर तमाम लोगों के जांच पड़ताल की जा रही है, उन लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है और जो उनसे संबंधित लोग हैं उन लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है। तो सभी चीजों पर जांच की जा रही है, अभी ताजा घटना है, तो आगे और बड़ी चीज कुछ निकल करके सामने आ सकती है आने वाले समय पर। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम। और